हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में और आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके पास अगर लेबर कार्ड है यानी अगर आप एक श्रमिक हैं और आपके पास यह श्रमिक कार्ड है तो आपको सरकार की तरफ से यहाँ पे 20 प्लस योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसमें आपकी बेटियों की शादी के लिए साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको काम पर जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था साथ ही साथ आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए मेघावी छात्रवृत्ति सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है बशर्ती अब एक कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आप एक श्रमिक हैं तो आप लेबर कार्ड जरूर बनवाए होंगे अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से ही बनवाना पड़ेगा तभी आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे जो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो पूरा देखिएगा आपके घर में कोई भी काम करता है जिसके पास लेबर कार्ड है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाना आपका काम है ठीक है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अब सिंपल आपको आना है गूगल पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है जो कि मैं ऑफिशियल आपको दिखाने वाला हूँ सब कुछ ऑफिशियल तो यहाँ पे टाइप करना है एच आर वाई एच आर वाई लेबर आपको लिख देना है बस एच आर वाई लेबर आप जैसे लिखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ओपन होगी जैसा कि ये पहला आपको लिंक दिख रहा है यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन होगी जी देखिए यहाँ पे जो कि लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग हरियाणा हरियाणा प्रदेश की तरफ से जो भी जो श्रमिक हैं जैसा कि अगर मैं श्रमिक की बात करता हूं, तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे नागरिक जिनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं होती है तो इस दौरान सरकार उनको मदद करती है और एक कार्ड जारी करती है जिसका नाम है लेबर कार्ड और इस लेबर कार्ड से बहुत सारी योजनाएँ मिलती हैं हर एक प्रदेश के लिए यह विभाग होता है श्रम विभाग चाहे आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड उत्तराखंड पश्चिम बंगाल किसी भी प्रदेश से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके प्रदेश का एक जो कि ऑफिस ऑफिशियल जो कि साइड होती है वहाँ से सारा कुछ आप लाभ देख सकते हैं तो सिंपल आपको आना है नीचे देखिए अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो इन सभी योजनाओं का आप लाभ ले पाएंगे ठीक है सरकार की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे लाभ दिए जाते हैं सिंपल आपको नीचे आना है तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और पढ़ें ये सभी योजनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिंपल इस पर कर देना है क्लिक देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आगे ओपन होगी अब यहाँ पर अगर आप विधवा हैं ठीक है तो आपको तीन हज़ार रुपये यहाँ पर सरकार की तरफ से देखिए पंजीकृत श्रमिकों की विधवा को तीन हज़ार रुपये की यहाँ पर पेंशन हर महीने दी जाएगी अगर आप विधवा हैं अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं अन्य योजनाएँ देखिए योजनाएँ यहाँ से आप देखने को मिलेगी आपको पंजीकृत निर्माण कर्मचारी सीट के लिए एल आर सी है ख़रीद के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा वहीं वित्तीय सहायता के लिए कोचिंग क्लास के लिए आपको यहाँ पर देखिए आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप श्रमिक हैं और आपके पास यहाँ पर श्रमिक कार्ड है तो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से बीस दिया जा रहा है कितना दिया जा रहा है बीस आपके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है बशरते आपके पास यह कार्ड होना चाहिए ठीक है रजिस्टर्ड हिटलर बच्चों के व्यवसाय के लिए यहाँ पे बीस हज़ार सरकार तरफ से देखिए दिया जा रहा है वहीं अगर अन्य योजनाओं की बात की जाए तो व्यावसायिक तकनीकी में हॉस्टल सुविधा में वित्तीय सहायता दिया जा रहा है पेंशन सहायता मेघावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है देखिए अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं टॉपर्स हैं तो उनको सरकार तरफ से अलग यहाँ पर दिया जा रहा है देखिए अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आपका बच्चा अगर नब्बे से ऊपर का अंक ले आता है तो यहाँ पे इक्यावन हज़ार रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा अस्सी प्रतिशत से ऊपर लाता है तो यहाँ पे इकतालीस हज़ार रुपये सत्तर प्रतिशत से ऊपर लाता है तो यहाँ पर देखिए इकतालीस इकतीस हज़ार रुपये साठ हज़ार से ऊपर ले आता है तो यहाँ पर इक्कीस हज़ार रुपये तो ये धनराशि आपको मिलेगी बस एक कार्ड की बदौलत अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो इन सभी योजनाओं का आप लाभ ले पाएंगे बीस प्लस योजनाएँ जो सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देखिए यहाँ पे शादी के लिए भी सुपुत्र की यानी लड़की की शादी के लिए सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल आप देख लीजिएगा कितना लाभ दिया जा रहा है पचास हज़ार रुपये दिया जा रहा है कितना दिया जा रहा है पचास हज़ार रुपये का यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जो भी नागरिक वहीं अगर टोटल बात की जाए तो यहाँ पर एक लाख एक हज़ार रुपये का भी यहाँ पर आपको पूरा लाभ दिया जाएगा यानी इक्यावन हज़ार शादी के लिए कल्याणकारी योजना है और यहाँ पर पचास हज़ार रुपये जो है कि वित्तीय सहायता अलग से दी जा रही है तो टोटल आपको कितना एक लाख एक हज़ार रुपये की यहाँ पर व्यवस्था की गई है देखिए महिला मुख्य मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना इसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है तो ये सारी योजनाएँ आप सभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ पर देखिए इक्यावन सौ रुपये का यहाँ पे जो कि लाभ दिया जा रहा है तो ये सब लाभ केवल राशन कार्ड धारक साथ ही साथ यहाँ पे श्रमिक कार्ड धारक अगर आप श्रमिक हैं तो आप काम कर रहे हैं कहीं पे तो इसके लिए सरकार की वेबसाइट पर जाकर श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए और श्रमिक कार्ड बनवाते ही ये सारी योजनाओं का लाभ आपको मिल जाएगा देखिए मशीन योजना साइकिल योजना कन्यादान योजना सुपुत्री के शादी के लिए वित्तीय सहायता बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता तो ये सारे लाभ आप ले सकते हैं बस एक कार्ड की बदौलत तो आप चाहे यूपी के हैं चाहे आप यूपी के हैं हरियाणा के हैं कहीं के हैं उत्तराखंड के हैं तो हर एक प्रदेश में आपका एक श्रमिक विभाग होता है अब अपने प्रदेश के आप श्रमिक विभाग में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्टर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस लेबर कार्ड को आप बनवा लेते हैं तो बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेगी जैसा कि मैंने लाइव और ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर हमने आपको दिखा दिया है देखिए साइकिल योजना भी चलाई गई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी तीन हज़ार रुपये दिया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए कामगार को लगभग पाँच हज़ार रुपये तक के साइकिल के लिए भुगतान तो हरियाणा सरकार आपको यहाँ पे पाँच हज़ार रुपये दे रही है कितना दे रही है पाँच हज़ार रुपये दे रहे साइकिल के लिए जैसे श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए काम करने के लिए जाते हैं तो इस दौरान उनका समय जाया होता है तो इस समय को बचाने के लिए यहाँ पे और साइकिल की व्यवस्था कराई जा रही है क्योंकि यहाँ पर लोग पैदल जो कि जाते हैं इसके लिए सरकार तरफ से यह धनराशि दी जा रही है तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं नमस्कार वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा